वहां पे जाकर वो प्रैक्टिस करने लगे और 21 दिन उन्होंने ध्यान करा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हो गया तो 21 दिन उन्होंने ध्यान करा। एक दिन गुजरता वो एक पत्थर फेंक देते, 21 पत्थर उन्होंने अपने थैले में रखे थे। 20 दिन उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ 21वें दिन बैठे। 21वें दिन के अंत में, जैसे ही अंत हुआ, शाम हुई और सूरज की तरफ से एक प्रकाश का पुंज उनकी तरफ आता हुआ दिखा, जो कि उनकी तीसरी आंख में एंटर हो गया। और जैसे ही वो एंटर हुआ, वो बेहोश हो गए। कुछ देर बेहोशी की अवस्था में रहने के बाद उनको होश आया। उनको ऐसा लगा कि बहुत सारी एनर्जी उनके अंदर है। 21 दिन के उपवास के बाद व्यक्ति बहुत वीकनेस फील करने लगता है, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे। ये पहला उदाहरण था कि उन्होंने फील करा कि कोई शक्ति का संचार मेरे अंदर हुआ है। दौड़ते हुए चले आ रहे थे और अंगूठे पे उनके चोट लगी। जैसे अंगूठे पे चोट लगी, उनका हाथ उस अंगूठे पे चला गया और थोड़ी देर उनको गर्मी का एहसास होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो खून बहना बंद हो गया और अगले कुछ मिनटों के बाद वह कट भी वहां से दूर हो गया। तरुण, ये व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया, प्लीज बंद कर दो। वह कट भी दूर हो गया। ये दूसरा उनको एक्सपीरियंस मिला रेकी का। दौड़ते हुए नीचे आए, एक होटल में बैठे, खाना खाने के लिए बहुत हैवी लंच उन्होंने ऑर्डर करा, लेकिन होटल वाले ने ये जान लिया था कि वो उपवास करके आया। उसको कुछ लाइट खाने को बोला, लेकिन वो नहीं माने। कुछ देर अपने पेट पे हाथ रखा, उसके बाद वो भारी भोजन किया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तीसरा प्रैक्टिकल उन्हें मिला कि मेरे पास कोई पावर है। होटल की मैनेजर की जो धोती थी, वो खाना लेकर आ रही थी। उसके गाल बहुत फूले हुए थे। पूछने पर मालूम हुआ कि दांत में कुछ इन्फेक्शन हो गया है और उसके कारण पिछले कई दिनों से वो दर्द और सूजन से परेशान थी। मिका और सूजी ने उसके दोनों गालों पर हाथ रख दिया और थोड़ी देर बाद वो सूजन चली गई और थोड़ी देर बाद वो दर्द चला गया। ये उनका पहला प्रैक्टिकल था कि वो दूसरे भी किसी को हील कर सकते हैं। वो बहुत खुश थे, जैन भिक्षु गृह में गए और उन्हें ऐसा लगा कि सबसे जरूरी तो इन भिक्षुकों को रेकी सिखाना है, इनको समाज के प्रति दायित्व सिखाना है। ये अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरा करे, जीवन में कुछ ग्रोथ करे, ऐसा कुछ इनको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। वह भिक्षुकों को रेकी सिखाने लगे। अगले 7 साल तक कंटिन्यूस वो भिक्षु गृह में रहकर उन भिक्षुकों को रेकी सिखाते रहे। 7 साल के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो भिक्षुक वापस आने लगे हैं। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वो भिक्षुक समाज की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि भिक्षु गृह में रहना ही बहुत अच्छा है। सुबह जाते हैं भिक्षा मांगने, भिक्षा मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, जीवन की जिम्मेदारियां नहीं है। तो जिम्मेदारी से विमुख होकर वापस आ गए थे। डॉक्टर मिकाओशी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ध्यान में बैठे और ध्यान में उन्हें दो चीजें ध्यान में आई। पहली चीज कि फ्री में दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चीज कि कुछ लेकर ही देना चाहिए। जब कुछ लेकर हम देते हैं तो उसका बोध होता है सामने को। तो उन्होंने जीवन में दो नियम बनाए कि बिना मांगे मैं किसी को दूंगा नहीं या फ्री में कुछ दूंगा नहीं। ये दो नियम रेकी में हमेशा से मानते चले आए हैं और आज भी माने जाते हैं। फॉर अवेयरनेस, जैसे हम आज चला रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोग रेकी को समझें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको रेकी देनी होती है तो आप प्लीज कुछ लेके दे, या कम से कम परमिशन सामने वाले की। जैसे हमने आपको ऑफर दिया, अगर आपने उसको एक्सेप्ट करा तो कम से कम आपकी परमिशन है कि आप परमिट करते हैं सीखने के लिए और आप यहाँ आए, अपना समय दे रहे, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। तो दो नियम उन्होंने बनाए रेकी में कि बिना मांगे किसी को कुछ देना नहीं है और फ्री में कुछ देना नहीं है, नहीं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। दूसरे 5 नियम उन्होंने बनाए, केवल आज के दिन मैं क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, केवल आज के दिन मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा, केवल आज के दिन मैं जीव मात्र से प्रेम करूंगा। ये नियम हर धर्म में होते हैं, हर फिलोसफी में होते हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं है क्योंकि हमें जीवन भर उन नियमों को पालने के लिए बोलते हैं। तो डॉक्टर मिकाओशी जी ने एक अच्छा वो बताया कि रोज के लिए उस नियमों को पालो। रोज सुबह उठिए और ये डिसाइड कीजिए कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो चलेगा कैसे? अगर मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा तो पढ़ेंगे कैसे? बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करोगे तो पढ़ेंगे?
कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर मैं ऑफिस में अपने जूनियर्स को डांटूंगा नहीं तो वो कैसे काम करेंगे? अगर मैं गुस्सा ही छोड़ दूंगा तो लोग मेरी वैल्यू कैसे करेंगे? तो काफी जगह गुस्से की नीड होती है, ऐसा लोग समझते हैं कि गुस्से के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, हमारा एटीट्यूड चला जाएगा, हमारे समाज में रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन गुस्सा कितना नुकसानदायक है, जब वो हम समझते हैं तो हमें शायद उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुस्सा हमारे अंदर एसिड्स पैदा करता है। कभी भी आप देखेंगे तो गुस्सा, सबसे पहली बात तो गुस्सा कभी माइंड में पैदा नहीं होता, गुस्सा अभी हमेशा आपके स्टमक में सोलर प्लेक्सस में प्रोड्यूस होता है। जितने भी लोगों को गुस्सा होगा उनको एसिडिटी जरूर होती है, क्योंकि एक ऐसे एसिड्स गुस्सा पैदा करता है जिसकी वजह से हमें वो स्टमक में एसिड्स पैदा होने लगते हैं और एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि स्टमक में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लगभग 70% ऑर्गन्स हमारे बॉडी के स्टमक में होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स वीक होने लगती है जब हम गुस्सा करते हैं। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए जिससे कि ये एसिड्स ना हो। अगर हमारे अंदर गुस्से ने ऑलरेडी एसिड्स पैदा कर दिए हैं तो क्या करना चाहिए? आपको एक ऐसी मुद्रा बताते हैं, एक ऐसा प्राणायाम का प्रैक्टिकल बताते हैं जिससे कि बहुत सारे लोग आप में से गुस्से की हैबिट होगी और उसकी वजह से आपके अंदर एसिड्स बहुत सारे पैदा होते होंगे और आपका सोलर प्लेक्सस बहुत डिस्टर्ब रहता होगा। सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर है तो एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स बहुत होती होंगी, एलर्जीज आपको बहुत सारी होती है जब आप गुस्सा करते हैं। फायर एलिमेंट ज्यादा होने से स्किन की प्रॉब्लम बहुत होने लगती है, गुस्सा फायर एलिमेंट होता है। तो उसको करना क्या चाहिए? हमें ब्रीथ करना चाहिए सोलर प्लेक्सस तक, हमारे स्टमक तक हमको ब्रीथ करना चाहिए। वहां पे कुछ देर आपको ब्रीथ को होल्ड करना चाहिए और ब्रेथ के साथ उन वाइब्रेशंस को निकालना चाहिए, एक हुंकार भरनी चाहिए आपको उसको निकालते हुए। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। स्टमक तक ब्रीथ जाने दीजिए, स्टमक तक उसको होल्ड कीजिए, एक वॉइस के साथ हुंकार भरते हुए उस ब्रेथ को आपको निकालना है और ऐसा कम से कम 10 to 15 times करना है डेली। आप नोट करेंगे कि आपकी एसिडिटी खत्म होती चली जा रही है और आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होता चला जा रहा है। मैं आपको फिर से एक बार करके था। ऐसा आपको 10 to 15 times डेली करना है। आप देखेंगे कि 7 days to 21 days में आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो गया है बॉडी में और आपका गुस्सा एकदम शांत हो गया है। लोग आपकी बातें फिर भी मान रहे हैं, लोग समझते हैं कि गुस्से से ही लोग मानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर अपनी परसेप्शन में रखते हैं कि मेरी बात कोई सामने वाला मानेगा तो वो जरूर मानता ही है। ये सजेस्टिबिलिटी का रूल होता है कि अगर आपकी पास्ट में उसने कभी बात मानी है तो आज वो जरूर मानेगा। अगर आज वो बात मान रहा है तो माइंड रूल है कि एक सजेशन के बाद सेकंड और इजीली मानता है, थर्ड और इजीली मानता है और सो ऑन, ऐसे प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? एक बात बताओ, आप ऑफिस जाने की चिंता नहीं होगी तो उठेंगे क्या संडे को? अपन लेट उठते हैं, नहीं उठते हैं सभी लोग? क्यों लेट उठते हैं? क्योंकि ऑफिस नहीं जाना है, चिंता नहीं है, टिफिन नहीं बनाना है, ऑफिस नहीं जाना है। काम की चिंता नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? बच्चे को स्कूल भेजने की चिंता नहीं होगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बच्चे को पढ़ने की चिंता नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे? चिंता बिना जी कैसे सकते हैं? कबीर जी बोल गए कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चोरी से धन घटे, कह गए कबीर। सुना होगा कहावत आप सब लोगों ने। लेकिन कबीर जी को क्या पता था कि ऐसा टेक्निकल युग आएगा जिसमें चिंता के बिना कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं। चिंता की कंपटीशन होती है, चार लेडीज मिलती हैं, बोलती हैं कि मेरे बच्चे देखो कितने परेशान करते हैं, आपका तो एक बच्चा है, मेरे तो दो है। एक सुपीरियर हो गई कि एक बच्चे से सुपीरियर कौन हो गया जो दो को संभाल रही है आजकल के लाइफ में। थर्ड बोलती है तुम्हारे तो दो ही बच्चे हैं, मेरे पास तो दो सास ससुर भी हैं जिनको पालना पड़ता है, अब वो सुपीरियर हो गई। फोर्थ बोलती है कि ये सब चीजें तो मेरे पास आई है और मेरे पास भाई भी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सोसाइटी जो कि हैंडल कर रहा है आजकल सब घर को, वो भी नहीं है मेरे पास,
तो आप सुपीरियर कौन हो गया? वो लेडी जिसके पास सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसे जेंट्स मिलेंगे तो बोलेंगे अरे देखो कैसा, इतने सारे डेप्थ में भी कैसे जी रहा है, शाबाश। तो आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया चिंता। चिंता से चतुराई बढ़े, जितनी ज्यादा चिंता होगी उतना ज्यादा चतुर व्यक्ति होगा, उतना अच्छा व्यक्ति होगा, कैसे टैकल कर रहा है, वाह। चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। पहले बीमारियां होती थी दुबला कर देती थी, जो आदमी दुबला दिखते थे आज से 25-30 साल पहले हो जाओ तो कोई दुबला हो जाता तो पूछते भाई बीमार हो गए हो क्या। और आजकल हेल्दी होने का फंडा है जीरो फिगर। अगर वो जीरो फिगर रख रहा है तो वो हेल्दी पर्सन है, और मोटा हो गया तो वो बीमार है। और बीमारियां भी ऐसी होती चली जा रही हैं जो वेट को इंक्रीज करती हैं। तो दुख से बड़े शरीर, चोरी से धन बढ़े, जितनी ज्यादा चोरी करेंगे इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की या अदर्स कोई भी, तो उतना धन आपके पास पड़ेगा। लेकिन चिंता हमारे लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमारे माइंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है, जो कि साइकोलॉजिकल, मेंटल डिजीज एंड फिजिकल डिजीज के लिए लायबल होती है। आगे हम देखेंगे कि थॉट्स कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमको बीमार करने के लिए। इसी तरीके से चिंता भी एक प्रेशर जनरेट करती है हमारी ऑरा के ऊपर, एक प्रेशर जनरेट करती है हमारे चक्रास की गतिविधि में। इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स चिंता हमें क्रिएट करती है। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में डिफरेंस क्या है? थॉट सेम है, जब वो थॉट लॉस करने पे आ जाता है, किसी तरीके से लॉस हमारे लिए क्रिएट करता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो वह चिंता हो जाती है। लेकिन अगर अपन कॉन्शियस हैं कि मुझे इसी इस थॉट को इस लेवल तक ही सोचना है, बच्चों के लिए इस लेवल तक ही सोचना है, हस्बैंड के लिए इस लेवल तक ही सोचना है, प्रोफेशन का मैं 8 बजे तक सोचूंगा, ऑफिस से घर जाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं सोचूंगा, घर जाऊंगा तो घर के लिए सोचूंगा उसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, तो एक लिमिट क्रिएट करना, चिंतन की एक लिमिट होती है। जैसे वो क्रॉस हो जाती है किसी तरह का लॉस जनरेट करने लगती है हमारे अंदर, वो चिंता हो जाती है। जब तक वो लॉस नहीं देती है, खाली हमारे अंदर एक थॉट की तरह रहती है, तब वह चिंतन होती है। हमें हमेशा हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से मतलब क्या? ईमानदारी मीन्स जहां तन वहां मन, जहां आपकी बॉडी है वहीं पे आपका दिमाग। अभी अपन यहाँ क्लास में बैठे हैं, सोच रहे हैं कल ऑफिस में क्या करेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, अभी यहाँ से उठेंगे तो क्या करेंगे, खाना कब बनाएंगे, क्या खाएंगे। तो हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे भी सीख नहीं पा रहे हैं और वो काम भी नहीं हो रहा है। साली थॉट से तो काम नहीं हो रहा है। ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं तो ऑफिस के काम नहीं हो रहे हैं, डिनर के बारे में सोच रहे हैं तो डिनर नहीं हो रहा है। तो 100% आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो हमेशा एक रूल ऐसा बनाना है अपने को कि जहां तन वहां मन, जहां मेरी बॉडी होगी वहीं के बारे में सोचूंगा, जो काम मैं कर रहा हूँ 100% मैं उसको दे रहा हूँ। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इस रूल को जरूर ओबे कीजिए और बार बार इसी को अफर्म करते रहिए। केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, जहां मेरा तन होगा वहीं मैं अपना मन रखूंगा। आप देखेंगे कि सक्सेस अपने आप आपके रास्ते खुलती चली जाएगी। केवल आज के दिन में अपना काम, केवल आज के दिन में कुदरत कृपा से आभार मानूंगा। नेचर सब कुछ आपको दे रहा है, ये ब्रेथ, ये फाइनेंस, ये अबंडेंस, ये इमोशंस, सब कुछ हमें कहां से मिल रही है? नेचर के लिए। और हम नेचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ये बताता है कि जो जिससे मिले उसको आपको उतना ही देना है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपको क्या बोलती है कि ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, थैंक्स फील कीजिए। आपने कितनी बार थैंक्स फील करा, कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू कोरोना में आप सब लोगों को पता चली होगी कि क्या वैल्यू है। अब पर इतने सालों से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्री, तो हमने क्या ग्रेटिट्यूड फील करा, क्या थैंक्स फील करा। ग्रेटिट्यूड थैंक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक्स फील करते हैं, तो यूनिवर्स उस लैंग्वेज को समझता है और वह चीजें आपको अच्छी तरीके से और जितनी नीडेड है और मिलने लगती है। एबंडेंस के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि जो कुछ मेरे पास है
उसके लिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। हे यूनिवर्स, आपने मुझे रहने को घर दिया। हे यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी। हे यूनिवर्स, इतने अच्छे मुझे फैमिली मेंबर्स दिए। हे यूनिवर्स, आपने इतने अच्छे बच्चे दिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे यूनिवर्स का, इस नेचर का, हर चीज के लिए, कि आपने मुझे इतने सारे ऑर्गन्स दिए, ब्रीदिंग के लिए मुझे लंग्स दिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए मुझे हार्ट दिया, देखने के लिए मुझे आंखें दी, सुनने के लिए मुझे कान दिए, जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करें उतना कम है। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना आपके लिए वो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी और आप अपनी लाइफ एबंडेंस के साथ जीने लगेंगे। केवल आज के दिन में जीव मात्र से प्रेम करूंगा। जीव मीन्स क्या, जानवर नहीं है, हर जीव, प्लांट्स हैं उसमें भी जीव है, आसपास के लोग हैं उनमें भी जीव है, एनिमल्स हैं उनमें भी जीव है, जहां भी लाइफ है, हर नॉन लिविंग थिंग भी में भी लाइफ है, वो भी कंटिन्यूस वाइब्रेट करते हैं। हर चीज से मैं प्रेम करूंगा, हर चीज का मैं रिस्पेक्ट करूंगा। अगर आप हीलर बनने चाह रहे हैं तो अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर इमोशंस नहीं है किसी को हील करने का, तो आप एक अच्छे हीलर नहीं बन सकते हैं। तो ये रूल आपको कंपैशन जनरेट करने के लिए, आपको हीलर बना करने के लिए है कि केवल आज के दिन में जीव मात्र का प्रेम करूंगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम ओबे करते हैं। इसके आगे की हिस्ट्री अपन कल सीखते हैं। आज हिस्ट्री से हमें क्या मिका, उसी तक हमने क्या सीखा। 15 साल उसको लगे रेकी को ढूंढने में। 15 साल के बाद क्या मिला, कुछ पेजेस। और फिर 7 साल उसने भिक्षु गृह में सिखाया, कुछ नहीं मिला उसको उसके लिए। 22 साल जीवन के उसने रेकी में ऐसे ही निकाल दिए। आज हमारे पास क्या होता है, 22 मिनट कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, हम लोग एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं। तो पेशेंस, मिकाओशु जी की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, पेशेंस। हो सकता है कोई काम 30 दिन में आपका होना हो और आपने 29 डेज प्रैक्टिस करी और 30th डे उसका रिजल्ट मिलना था और आपने उस प्रैक्टिस को 29th डे पे छोड़ दिया कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। पानी 100 मीटर के डेप्थ पे है, 99 मीटर के डेप्थ पे आपने खुदाई बंद कर दी, तो गलती पानी की है या आपकी है? गलती हमारी है। तो मिकाओ सुजी की लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि एक बार आपने जो सोच लिया उससे वापस पीछे कभी नहीं जाना है, उसको अचीव ही करना है एनी हाउ। जब वो जिद, वो पैशन आप जनरेट करोगे तो रेकी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप आज 2023 में सीख रहे हैं, मैंने 1990 में रेकी सीखा, 92 में ग्रैंड मास्टर बना। बहुत छोटी एज थी, 15 इयर्स की एज थी मेरी जब मैं रेकी सीखा। 17 इयर्स की एज में मैं ग्रैंड मास्टर बना। तब रेकी के इतने प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ करते थे, कोई नॉलेज नहीं। आज आपके पास क्रोम है, आपके पास यूट्यूब है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे लोग जो प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ग्रैंड मास्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स हैं, लोगों से हमने सुना कि रिजल्ट्स मिलते हैं, तब जाके आप सीख रहे हैं। जब हम सीखे थे तब हमें मालूम भी नहीं था कि इससे क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते, लेकिन मन में विश्वास था, एक पैशन था, जिद था कि नहीं, हमें इसमें ही कुछ करके दिखाना है। और जब किसी भी चीज में पैशन जनरेट करते हैं तो प्रोफेशन, पैसा सब सेकेंडरी रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पैसा देता है, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा प्रोफेशन देता है। पर जुनून, जो पैशन आपको जनरेट करना है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक जुनून बनाना है कि मुझे कुछ भी चाहिए, ये मैं आपको बोल सकता हूं कि इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल अगर आप रेकी से प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी नहीं है। जब भी आपको लगे कि कुछ भी आपके लाइफ में इम्पॉसिबल सा हो रहा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस गोल को अचीव करने में, उस गोल को तक पहुंचने में रेकी के माध्यम से। तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके द्वारा। तो अब हम पहले रेकी की आज प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ अपन थ्योरी कल भी करेंगे, अपन परसों भी करेंगे, परसों क्वेरी सेशन से आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते कैसे रेकी को,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हाथों को सेंसिटिव बनाते हैं, ऐसे फिंगर्स को प्रेस करते हैं थंब से, करते रहिए साथ साथ करते रहिए, काफी देर हम इसको करते हैं। इससे क्या होगा, आप एनर्जी को फील करने लगेंगे, फिर आपको जो हाथों को रब करना है जोर से, थोड़ा हाथों को दूर ले जाना है 6 इंच, थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाइए, थोड़ा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, हल्के हल्के से प्रेस कीजिए, तो कुछ एनर्जी आपको फील होने लगेगी, एक एनर्जी बलून फील होने लगेगा, बस इस हाथ को दूर करते रहिए, उस एनर्जी को फील करते रहिए। ये हाथों को सेंसिटिव करने की टेक्निक है, और ऐसी कुछ एनर्जीज आप रेकी में फील करते हैं। जितना आप इसको सेंसिटिव करते रहेंगे, हर बार रेकी प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप ऐसे रब करते रहेंगे और हाथों को सेंसिटिव करते रहेंगे, आप एनर्जी के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। और सेकंड लेवल में आपको सिखाया जाता है कि कहाँ पे जाएंगे तो आप कैसी एनर्जी, मंदिर की कैसी एनर्जी है, घर का कैसे एनर्जी है, हॉस्पिटल का कैसे एनर्जी है, वास्तु में हम चेक करते हैं कि कैसे एनर्जी। तो आप सेंसिटिव जब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा आने लगता है कि यहाँ की एनर्जी डेंस है, यहाँ की एनर्जी हैवी है, यहाँ की एनर्जी लाइट है, यहाँ की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जीज है, ये सब आप फील करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग बेस आपको यहीं से जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम चार लाइन्स बोलते हैं, कोई मंत्र नहीं है पर फीलिंग्स है। तो लोग बोलना सिखाते हैं, मैं फीलिंग्स सिखाता हूं कि मैं अपना आभार मानता हूं, मैं अपना ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। जब आप ये लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को भूलता हूं, मैं अपना जो ईगो है, जो मेरी इमेज मैंने जनरेट कर रखी है अपने लिए, सोसाइटी वालों ने जो मेरे लिए इमेज जनरेट कर रखी है, उन सबको मैं साइड में रखता हूं। हम क्या होता है, मैं को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया, मैंने इतने लोगों को रेकी सिखा दी, मैं तो अब मिरेकुलस हीलर बन गया हूं, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस अपने फेसबुक पे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस अपने सोशल मीडिया पे हम देने लगते हैं। लेकिन जब हम इगोस्टिक वे में एक एटीट्यूड सामने रखते हैं तो ये यूनिवर्सल पावर्स हमारे अंदर से फ्लो नहीं होते हैं। इसीलिए फर्स्ट लाइन हमेशा रेकी में बोली जाती है कि मैं अपना आभार मानता हूं, मीन्स मैं अपनी जो प्रोफाइल इमेज मैंने बना रखी है वो मैं साइड में रखता हूं। सेकंड लाइन बोलते हैं, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूं कि जो कुछ है वह रेकी शक्ति है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मीन्स मैं एक मीडियम हूं इस यूनिवर्सल फोर्स और जो हमारी इंटेंशन है जिसको हमको रेकी देनी है या स्वयं लेनी है, उसके बीच में मैं क्या हूं, एक मीडियम। हमेशा हम बोलेंगे कि हम रेकी चैनल हैं, मैं रेकी नहीं हूं, रेकी एक एनर्जी है, मैं एक रेकी चैनल हूं, मेरे माध्यम से रेकी लोगों को ठीक करती है। थर्ड लाइन में हम पार्टनर का देते हैं तो पार्टनर का आभार मानते हैं, वो कल सीखेंगे पार्टनर को कैसे हीलिंग करते हैं, नहीं तो थर्ड लाइन में हम मैं अपनी कुदरत कृपा, अपने माता पिता, अपने गुरु, जिस किसी को आप मानते हैं थर्ड लाइन में उनका ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो तीन लाइनें हम बोलते हैं और हमारे अंदर से फोर्स फ्लो होने लगता है अटेनमेंट होने के बाद। अभी आपका अटेनमेंट करेंगे उसके बाद वो फ्लो होने लगता है। तो हम आंखों पे हाथ रखते हैं ऐसे, यूं लिटिल कप्स बनाते हुए आंखों पे हाथ रखते हैं, फिर कान पे हाथ रखते हैं, जो कि आपको पूरे वीडियो में बताया जाएगा अभी कि 24 पॉइंट्स कैसे लेके देते हैं। तरुण प्लीज पेस्ट कीजिए ना तीनों मीटिंग्स में 24 पॉइंट्स को।
सर एक सेकंड लोड हो रहा है तीनों में एक साथ, अभी आ रहा है इसमें। करेंगे तो रेकी की प्रैक्टिस करने से पहले सेंसिटिव बनाना है हमें, ताकि फीलिंग आ सके हमें। सबसे पहले अपने हाथ जोड़ने, अपनी आंखें बंद करनी है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं और अपना नाम के साथ आभार मानना है कि मैं अपना प्रदीप का आभार मानता हूं। दूसरी लाइन बोलनी है कि मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूं। तीसरी लाइन बोलनी है कि मैं अपने गुरुओं और पूज्य पात्रों का आभार मानता हूं। ऐसे लिटल कप्स बनाते हुए अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे और 3 मिनट तक फील करते रहेंगे कि क्या फील हो रहा है। उसके बाद 3 मिनट के बाद जब घंटी बजेगी, आपने जो म्यूजिक डाउनलोड करी है उसमें घंटी बजेगी, तब आप ये हाथ कान पे रखेंगे। और फील करना है कि क्या फीलिंग हैंड्स में आ रही है और क्या फीलिंग कानों में आ रही है। आप आंखें बंद रखेंगे तो ज्यादा फीलिंग आएगी, आंखें खुली भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन आंखें बंद रखेंगे तो फीलिंग ज्यादा आएगी। फिर उसके बाद 3 मिनट की घंटी बजेगी, आप टेम्पल्स पे हाथ रखेंगे। उसके बाद घंटी बजेगी, एक हाथ सर के आगे, एक हाथ सर के पीछे, फिर दोनों हाथ सर के पीछे ऐसे करते हुए पूरे बैक ऑफ द हेड। उसके बाद एक हाथ गले के आगे, एक हाथ गले के पीछे, हमारा विशुद्ध चक्र। उसके बाद थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, हृदय चक्र। उसके बाद दोनों लंग्स, टिप ऑफ द लंग्स ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, यहाँ पे जहां से बोल होता है वहां से लेकर नेवल तक हमारा मणिपुर चक्र होता है, बहुत बड़ा चक्र होता है। तो पेट पे हाथ रखते हुए हम मणिपुर चक्र को रेखी देंगे। फिर लीवर, राइट साइड ऑफ द स्टमक। फिर पेनक्रियास, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक। फिर हरा चक्र, हमारी एक हाथ नेवल के ऊपर, एक हाथ नेवल के नीचे, हरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र। उसके बाद मूलाधार चक्र, हम सेक्स ऑर्गन पे भी दे सकते हैं और अगर कॉमन जगह बैठे हैं तो पैरों के जॉइंट्स पे भी दे सकते हैं।
फिर नीज, फिर पैरों के टखने और पैरों के तलिया होते हैं, आप राइट और लेफ्ट करके भी दे सकते हैं, ये राइट पे 1 पॉइंट कर दिया और फिर लेफ्ट पे 1 पॉइंट कर दिया। उसके बाद शोल्डर्स, दोनों हाथ विश्व चक्र के पीछे। उसके बाद हृदय चक्र आता है, अगर आपका हाथ जा सकता है तो ठीक है, नहीं जा सकता है तो आगे ये इंटेंशन करके देंगे कि ये रेखी पीछे की तरफ हृदय चक्र पर मिल रही है, और फिर पीछे बैक मणिपुर चक्र की बैक, फिर स्वादिष्टान चक्र की बैक, फिर मूलाधार चक्र की बैक और दोनों किडनीज। ये 24 पॉइंट्स हमें रेगुलर डेली करने हैं। आज हम टच हीलिंग सीख रहे हैं। तीन तरह के शक्तिपात होते हैं दुनिया में। सबसे पहला होता है स्पर्श द्वारा, जो कि मुर्गी करती है। मुर्गी अपने अंडों को अपने स्पर्श से सीखती है और उसमें से सर्जन करती है। दूसरा शक्तिपात होता है आंखों द्वारा। हम सेकंड डिग्री में दूसरा शक्तिपात सीखेंगे, अपनी थर्ड आई से किसी को रेकी देना सीखेंगे। तो वह शक्तिपात करती है मछली। मछली अपने अंडों को रख देती है और अपने आंखों से उनको नर सर्जन करती है। और थर्ड शक्तिपात होता है कछुए का। कछुआ क्या करता है, गड्ढा खोदता है, वहां पर अंडे डालता है और संकल्प करता है मौसम को देख के कि मेरे बच्चे किस मौसम में आने चाहिए। वो डिसाइड करता है कौन सी डेट, कौन सा समय, उस डेट उस समय को उसके बच्चे उसके अंडे से निकलते हैं। तो उस संकल्प शक्ति के द्वारा सर्जन करता है। तो हम सेकंड और थर्ड शक्तिपात जो है आंखों से लेके देना प्लस संकल्प से लेके देना सेकंड डिग्री में सीखते हैं। तो आज हम टच से द्वारा, आज हम क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बुक भी मैंने आपको भेजी है, आभार विधि भी उसमें लिखी हुई है और पॉइंट्स भी सारे उसके अंदर है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दूसरों को रिकी कैसे देना, ग्रुप में कैसे रिकी देना और किन किन अन्य चीजों को आप रिकी दे सकते हैं, ये कल हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसको स्टॉप करो। ये सब आपको पोजीशंस दी जाएंगी। ये पोजीशंस ये सब पोजीशंस आपको दी जाएंगी। आपको पूरा लिटरेचर दिया जाएगा। अभी अपन सबसे पहले अटेनमेंट लेंगे। 15 मिनट्स का अटेनमेंट प्रोसेस रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, जिस जगह बैठे हुए उसी जगह आपको हाथ जोड़कर आंखें बंद कर एक रिसीविंग मोड में बैठना है। 5 to 7 मिनट्स आपको बैठना है। आप सभी लोगों का अटेनमेंट करा जाएगा, जिसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अटेनमेंट एंड उस पावर को एक्सेप्ट करना। कल थोड़ा टाइम ज्यादा रखा जाएगा, आज 9 बजे तक क्लास है, कल हम ज्यादा टाइम रखेंगे। तो आज आपको 5 6 पॉइंट्स प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी 15 मिनट्स अपन अपनी जगह पे जहां पर भी बैठे हैं वहां पर हाथ जोड़ के आपको रखना है। पैरों को फोल्ड नहीं करना है, पैरों को क्रॉस नहीं करना है, आपको सीधे रखने।
दैट्स ऑल। और जो कुछ हो रहा है उसको रिसीविंग मोड में रिसीव करना है। 15 मिनट्स करीबन प्रोसेस चलेगा, 8:25 टू 8:45। जिसको पानी पीना है पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और 5 मिनट में अपन अटेंडमेंट स्टार्ट करेंगे। 8:30 टू 8:45 अपन अटेंडमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करनी है, रिकी द्वारा जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ लाइफ में अपने चेंज लाना चाहते हैं, जो कुछ अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो कुछ मैनिफेस्टेशन आप लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करेंगे और उसको पूरा होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पानी वानी पी के फ्रेश हो जाइए। अपन 5 मिनट्स में मैं भी प्रोसेस करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। पर 8:45 पे अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, लगभग 30 मिनट्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी अटेनमेंट चलेगा 8:45 तक, 8:45 पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो 15 मिनट्स तक म्यूट ही रहने दीजिए प्लीज।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और जगह पर उपस्थित होइए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम 6 चक्र को, हमारे चक्रास, कल हम समझेंगे चक्रास क्या होते हैं, कैसे हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, कैसे हम उनको ठीक करते हैं, संपूर्ण रूप से समझेंगे। पर आज उस पावर को पहचानना हमारे के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम हाफ एन आवर प्रैक्टिस करेंगे। हमें वैसे 24 पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन आज हम कुछ पॉइंट्स करके फिर अपन घर पे चेक करते रहेंगे कि क्या पावर हमें मिला, 8 दिन तक हमें पहले कैसा अनुभव होता था, आज कैसे एनर्जेटिक फील हो रहा है, उसके बाद वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को प्रेस करेंगे, हाथों को रब करेंगे और हाथ जोड़ते हुए पहले अपने उसको एनर्जी को फील भी कर लीजिए एक बार, क्या एनर्जी, कैसा फील होता है। एक एनर्जी बॉल सा फील होगा, बस उसी एनर्जी को मन में रखते हुए कैसा फील होता है, अपने हाथ जोड़ते हुए अपना नाम के साथ आभार मानेंगे, रेकी शक्ति का आभार मानेंगे कि मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूं या मानती हूँ, मैं रेकी के गुरुओं, पूज्य पात्रों, कुदरत कृपा का आभार मानिए। और एक का सिर के आगे और एक का सिर के पीछे ऐसा रखिए 3 मिनट तक, और फील कीजिए अपने पाम्स में और उस पोजीशन पे क्या फील होता है। तो हम प्रैक्टिस करा रहे हो 6 चक्रास की, ठीक है सर, करा रहा हूँ। 6 चक्रास ओनली।
आपको आप पोजीशन चेंज करेंगे, एक हाथ गले पे और एक हाथ गले के पीछे, और 3 मिनट्स के लिए यहां पे रिकी फ्लो करेंगे। ये हमारा थ्रोट चक्र है। अब बोथ हैंड्स अपने हार्ट चक्रा पे, मिडिल ऑफ रिब्स, मिडिल ऑफ चेस्ट यहाँ रखेंगे एंड 3 मिनट्स के लिए रेकी फ्लो करेंगे।
ठीक है तरुण मित्र, तय रखी जी ना, सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोलेंगे और जगह पे उपस्थित होंगे। तो आज हमारा मेन मोटिव जो था अटेनमेंट एंड उस पावर को रिसीव करके उसको पहचानना। तो अभी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं 24 पॉइंट्स के लिए, तो आज हम 24 पॉइंट्स करेंगे, कल हम ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होंगे। और अभी भी जिन लोगों का अटेनमेंट रह गया अभी भी टाइम देंगे, कल मॉर्निंग में भी देंगे, कल नाइट में भी देंगे, भरपूर टाइम मिलेगा। जो लोग ऑफिस से भी लेट आए हैं वो अटेनमेंट्स ले सकते हैं। कल थ्योरीज और समझेंगे, चक्रास क्या होते हैं, कैसे एनर्जी वर्क करती है, कैसे हमारे तत्वास वर्क करते हैं, कैसे तत्व कम होते हैं तो बीमारी होती है, अधिक होते हैं तो बीमारी होती है, उन सबको समझेंगे। तो कल थोड़ा टाइम हम ज्यादा बैठेंगे, आज फ्राइडे था, लोग ऑफिस टाइम से हैं सबके। कल हम अटेनमेंट, हमको हाथ जोड़ के बैठना है, पूरा अटेनमेंट प्रोसेस भी लिखा हुआ आएगा, पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, मटेरियल पूरा मिलेगा, वीडियोस पास्ट क्लासेस के भी आपको मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस भी बने हुए हैं हर प्रैक्टिस के आपको समझाने के लिए, वो भी आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट मटेरियल है, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। आज हमारा मेन मोटिव था अटेनमेंट प्लस एनर्जी को जानना कि एनर्जी होती क्या है। तो अभी आप क्या करेंगे, वो 24 पॉइंट्स का वीडियो देखेंगे, तरुण जी अभी सेंड करेंगे आपको, एक म्यूजिक सेंड करेंगे 3 मिनट का, जब चेंज होगा तो चेंज द पोजीशन उसके अंदर आएगा और आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। हाँ जी चरण जी, बताइए ना क्या पूछना चाहते हैं। चरण जी को अनम्यूट कीजिए ना, मीटिंग नंबर 1 में। तरुण जी मीटिंग नंबर 1 जी में चरण जी गुड इवनिंग को। सर। हाँ हाँ जी जी, जी इसमें मुझे ये पूछना था, जो 24 पॉइंट्स आपने बताए हैं, तो ये 24 हमें लाइफ टाइम करने हैं या इसका कुछ टाइम पीरियड है कि तब तक देखिए, हमें जितना करना? लाइफ टाइम करेंगे उतना अच्छा है, जी और सर, फर्स्ट डिग्री में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टच करके बैठना पड़ता है, सेकंड डिग्री में हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जितना करें तो उतना अच्छा है। हम आज भी कई बार ऐसा जी होता है सर, कि मुझे 32 ईयर्स हो गए, उसके बाद भी लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बॉडी डाउन हो गया है, तो 1 वीक का, 15 डेज का, 21 डेज का, 30 डेज का, ऐसा कुछ ना कुछ प्लान बना के फिर से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। और सर जब हम इनको हैंड्स को अपनी आईज पे या कहीं भी बॉडी पार्ट्स पे रखेंगे तो मतलब माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं ऐसा ऐसा जैसे कुछ कहते हैं भी ना नहीं, आप सिंबल्स टीवी आप देखते करते देखते हो तो कर कुछ सकते हैं निकल। प्रैक्टिस, आप टीवी देखते भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक जी बात सर, बताइए कि आप पानी ध्यान से पीते हैं तो पानी, या खाना ध्यान से खाते हैं तो खाने का टेस्ट मालूम पड़ता है, पर टीवी देखते देखते आपको क्या होता है, खाना पता नहीं पड़ता है कि भाई क्या खाया, कैसा टेस्ट था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जी सर, कंसेंट्रेशन रखते हैं तो एनर्जी फील होगा, हाथों से क्या जा रहा है, किस पोजिशन पे कैसा फील हो रहा है, कहीं पे हीटिंग फील होगी, कहीं पे पिंचिंग फील होगी, कहीं पे कुछ अलग वैक्यूम सा क्रिएट होगा, तो वो सब चीजें फील होंगी। और आप ध्यान नहीं जी देंगे, टीवी देखते करेंगे या बात करते करते करेंगे। फ्री टाइम जब भी है, आप कार में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, आप सोलर प्लेक्सस पकड़ के बैठ जाइए, लीवर और पेंक्रियास पकड़ के बैठ जाइए, हरा चक्र पकड़ के बैठ जाइए, हर टाइम को आप यूज कीजिए। जरूरी जी सर, तो नहीं कि सर आप इसमें जैसे हीट कंसंट्रेशन की आप कह रहे शक्ति हैं, का, हीट जनरेट, जैसे मुझे तो हीट फील हो रही थी जो आपने हाँ करवाया, मोस्टली फर्स्ट मुझे डिग्री में हीट। हीट ही होता है, जी सर, ओके सर, मोस्टली थैंक फर्स्ट यू डिग्री सर। में हीट ही होता है। जी सर, नुपुर और राजी, हाँ जी बताइए। हाँ आवाज आ रही जी, हाँ जी आ रही है, सर? किसी रीजन की वजह से अटूनमेंट मिस हो गया। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, पास्ट का क्लासेस का भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आराम से उसको फॉलोअप कीजिए। अटेनमेंट के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, आज भी नाइट में मिल सकता है, तरुण ने अरेंज कर दो 9:30 to 10:30, मॉर्निंग में 3 घंटे टाइम रखेंगे, कल इवनिंग में भी टाइम रखेंगे, आप आराम से अटेनमेंट्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई क्वेरी आप लोगों की? हाँ जी ज्योति, ज्योति गोयल जी। तो उनको अनम्यूट कीजिए, ज्योति गोयल जी को, मीटिंग 1 में ही है वो। हाँ जी हाँ सर, थैंक यू, आप 3 दिन का हमें फ्री वेबिनार दे रहे हैं, इसका रेकी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैंने आज फर्स्ट टाइम रेकी स्टार्ट किया है करना, पर जो आपने अटूनमेंट बताया था उसमें मैं जब कर रही थी तो मेरा पोजीशन करेक्ट हो रहा था, मतलब पहले हाथ ऐसे थे फिर धीरे धीरे खुलने लग गए,
तो पोजीशन करेक्ट हो रहा था, तो मतलब इसका सही तरीका क्या है? मतलब वो मुझे जैसे बोल रहे थे वैसे कर रहे थे, बॉडी का जो पोस्चर है वो इम्प्रूव हो रहा था मेरा, मतलब करते 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 3 मिनट जैसे होल्ड कर रहे थे हम। देखिए 3 मिनट अपने आप में, एक तो क्या है ये बॉडी के पोस्चर से इस हिसाब से डिजाइन है कि अपने आप में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ साथ में आपका योगा भी हो रहा है। आप देखेंगे जब भी आप रेकी की प्रैक्टिस करेंगे आपकी ब्रीदिंग नाभि तक चल रही है, जैसे ओके द मोमेंट आप हाथ टच करेंगे आपकी ब्रीदिंग लॉन्ग हो जाएगी, और जितनी लॉन्ग ब्रीदिंग हो रही है दैट मीन्स आपका प्राणायाम भी हो रहा है। तो अपने आप में सब चीजें कंप्लीट प्रोसेस है रेकी, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, आपका थॉट प्रोसेस अपने आप कम होता चला जाएगा। तो फिजिकल मेंटल इमोशनल जो भी आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में ऑटोमेटिकली रिलीज होते चले जाते हैं। हाँ सर, जब मैंने इंस्टाग्राम में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा तो मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई कि इतने अवार्डेड पर्सन से हम लोगों को वेबिनार मतलब रेकी सीखने को मिल रहा है। रियली हम तो बहुत ग्रेटफुल हो गए कि आपसे हमें सीखने को मिल रहा है 5 लाख रेकी। से ज्यादा लोगों को रिकी सिखाया है मैंने, 10 हजार से ज्यादा मास्टर्स हैं मेरे, हाँ तो उसमें हम भी शामिल हो गए सीखने टेन में। थाउजेंड ओह से ज्यादा मास्टर्स हैं। हाँ जी पूजा थैंक बग्गा जी, यू सर। इनको अनम्यूट कीजिए ना पूजा बग्गा जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर हमें कैसे पता चलेगा हमारी अट्यूनमेंट हो गई है? कैसे फील आएगा? देखिए ना दो चीजें, एनर्जी कभी भी देखी नहीं जा सकती है। आप ओके पृथ्वी घूम रही है आपको महसूस होता है क्या? पृथ्वी नहीं घूम रही है आपको महसूस होता है कि अपनी जगह पे वो घूम रही है? नहीं 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 पृथ्वी को कोई एनर्जी घुमा रही है वो एनर्जी महसूस होती है क्या अपने को? अपन ग्रेविटेशनल पुल, इतना बड़ा एनर्जी का फोर्स जो अपने को पृथ्वी पे स्टक किया हुआ है, क्या वो महसूस होती बट जैसे हम ध्यान के मुद्रा में जब बैठते हैं तो हमारे को कुछ भी एक थॉट्स फ्लो होती हैं है? ऐसे ही और कुछ। आप जब रेकी की प्रैक्टिस करेंगे आपको हीटिंग सेंसेशंस, पिंचिंग इफेक्ट्स, स्वेटनिंग ज्यादा होना, आप ठंड में भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पसीने निकलेंगे। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम ही, आज मैंने अभी रेकी अपन का ने पॉइंट्स फर्स्ट टाइम नहीं ही करे, देखा आज है। अपने पास टाइम बहुत कम मिला था, थ्योरी पार्ट को ही 2 घंटे चाहिए, टाइम बहुत कम ओके मिला था, और वर्किंग आवर्स में हम वर्किंग डेज में हम कम ही टाइम रखते हैं। कल सैटरडे और संडे लंबे सेशंस चलेंगे, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन लिया है अपन ने, जितना आप एनर्जी को फील करते चले जाएंगे उतना आपकी सेंसेस फील करते चले जाएंगे, सेंसिटिव आप होते ये चले जाएंगे, हमें रबिंग उतना करनी होती है? कितनी देर तक करनी होती है रबिंग? 8-10 बार। ये 8-10 बार? चीजें ना आपको सेकंड डिग्री में ज्यादा काम आएंगी, आपके हाथ सेंसिटिव हो जाएंगे। मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये चेक करना सिखा दूंगा कि सामने क्या बीमारी है, आपके पास लोग आएंगे आप बताएंगे उनको कि आपके क्या बीमारी है। जैसे मेरी लोअर बैक में बहुत पेन रहता है, तो हम अपने आप को भी सेल्फ हील कर सकते हैं हाँ इससे? जी हाँ ओके जी हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। निकिता गिल जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है कि मैंने मतलब रीकी पहले भी की है, मतलब 8-9 महीने पहले मैंने सीखी। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी रीकी करती हूँ ना, तो मतलब जब से मैंने करनी स्टार्ट की है तब से रैंडमली ऐसे ही कई बार मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, मतलब ऐसे ही कई बार रैंडमली। तो क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है ना, आप चैनल हैं रेकी के, आपके आसपास जरूरत जब भी होगी और इसको चेक करना हो तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लो होती है 100%, कोई भी चैनल होगा। और वो डीजी फील, घर पे आएगा तो थोड़ा डीजी फील करेगा, थोड़ा हैवी फील करेगा, क्योंकि वो चैनल है उसके अंदर से ऑटोमेटिकली एनर्जी जाता ही है। जब भी मतलब आपके वो बहुत आसपास नीडेड लोग होंगे, अनकंफर्टेबल आप लगता है ऐसे प्लांट्स के ही। पास में जाके खड़ा हो जाइए तो प्लांट्स ऑटोमेटिकली खींचते हैं रेकी को। ओके तो मतलब ये कोई इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल? नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके थैंक यू सर। रजनी जी, ये रजनी जी को कन्वर्ट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये रेकी हीलिंग सिखाने के लिए। और दूसरा, मैं मतलब जब ये कर रही थी तो मुझे मतलब कि जब मैंने फोरहेड पे हाथ रखे तो मुझे हील में कुछ फील हो रहा था, पैर की एड़ी में। और फिर सेकंड मुझे मतलब कि थ्रोट पेन था तो वो थोड़ा हील हुआ। और चेस्ट में जब दोनों हाथ रखे तो मुझे बैक साइड पे कुछ मतलब हीट फील हो रही थी। एनर्जी हमेशा ना नीड के हिसाब से वर्क करती है। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। आप पानी को कहीं पे भी छोड़ देंगे, जहां पे गड्ढा होगा उसके अंदर भर जाएगा। हाँ इसी जी, तरीके से जहां पे हमको अपन दे रहे हैं हार्ट चक्र को, लेकिन आपकी बैक को नीड होगी तो ऑटोमेटिकली वहां ट्रांसफर होगी, ठीक है सर। और वो फील भी होगा आपको कि भाई वहां कुछ हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है। जितना भी आपके सेंसेस थोड़ा सा और पावरफुल होंगे मतलब या कुछ आपका घूम रहा है और एनर्जी हीट फील हो रही है। और जागरूक होंगे, फर्स्ट डिग्री में मोस्टली हीट और पसीना, ये दो चीजें ही ज्यादा फील कराती है आपको। हाथ पूरे गीले हो जाते हैं कई बार। हाँ जी, पसीना है हाथों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रवीण हाँ जी, ठीक लता है जी, सर। प्रवीण लता जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैंने पहले तो इसको काफी महसूस करा है, पर अब नहीं होता। रीजन नहीं पता क्या हो रहा है। मतलब हैंड में जब भी रेकी को कॉल करती थी तो मेरे हैंड में कुछ एनर्जी सी, मेरे को वाइब्स मिलती थी, सेंसेशन सी होनी शुरू हो जाती थी। अब कभी भी रिकॉल करती हूँ तो नहीं होती। ऐसा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी सेंसेस ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। कई बार हम काइनेस्थेटिक होते हैं, कई बार हम विजुलेटरी होते हैं, कई बार हम ऑडिटरी होते हैं। जो लोग काइनेस्थेटिक ज्यादा होते हैं उनको फीलिंग्स स्किन की ज्यादा होती है, और ऐसा हमारे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो बाय चांस हम काइनेस्थेटिक से शिफ्ट हो गए किसी जगह, तो जरूरी नहीं है। एनर्जी काम करती है, चाहे ओके आपको सर। फील हो नहीं हो, एनर्जी अपना काम करती है। तो विद बिलीफ आपको जो भी आप करते चले जा रहे हो उसको करते रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फील ही नहीं होता है कि उनके हाथों से रेखी जा रही है कि नहीं जा रही है, और वर्ल्ड के बहुत फेमस फेमस हीलर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से हीलिंग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। एक एक सर, जैसे मतलब किसी की मैं थोड़ा वो एक्यू पॉइंट पकड़ लेती हूँ तो वो उससे उसकी कोई नेगेटिविटी हो वो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है उससे। आप अगर ऐसा सोचेंगे नेगेटिविटी के बारे में तो आप अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, मेरे को ये था कि मैं तो प्रोटेक्ट हूँ और रेकी के साथ प्रोटेक्टिंग करके चलती हूँ, पर वो उसका जैसे ही हैंड पकड़ती हूँ तो हैवीनेस, एकदम हैवीनेस इतनी फील होने लग जाती है। वो इसके रीजन से है या ठीक है ना, कुछ इसका मतलब? प्रोसेस ही एक्चुअल में फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन नहीं है, आप सेकंड डिग्री। मैं आपको बताऊंगा इसका अपन कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मानसी जी, गिरजा नायर जी को भी कर दो, तब तक इनसे बात करके। हाँ जी, मनीष जी बताइए। गिरिजा नायर जी को कर दो। सर कल रेकी क्लास कितने बजे होगा? 7:30 स्टार्ट होगा, पर हम कल 10 o'clock या 10:30 तक लेंगे। 10:30 तक लेंगे। 3 o'clock, 3 hours कराएगा। कल भी 3 hours कराएगा, परसों भी 3 hours कराएगा। थैंक यू सर। रिजा नायर जी, अल्पा मैम, तृप्ति रावत, किसी को भी करते जाओ ना फटाफट, प्रोडक्ट जिनका भी इंटरेस्ट है करते जाओ किसी को भी। परसों क्वेरी सेशन है, जो भी क्वेश्चंस होंगे अभी अभी ना आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मेरी लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वो उधर पीडीएफ में लिखे हुए हैं।
जिससे भी आपको बहुत क्लियरेंस मिलेगा, तो उसको भी आप स्टडी करना। सर ग्रुप्स पे आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट डलवा दिया सारी डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट। लेकिन की भी एंड्रॉइड से किसी को भी ओपन करते जाओ ना फटाफट फटाफट करें सर। हेलो सर। हाँ जी मैम बताइए। अल्पा मैम बताइए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं 20 इयर्स से रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट पहले मेरे को इन्वोक करना पड़ता था रेकी को, लेकिन जब से आपकी टीचिंग्स फॉलो की है जस्ट रेकी को याद करती हूँ और नाम लेती हूँ तो फ्लो। ये कुछ अपना ही है सब कुछ, कोई अलग से नहीं है जिसको आपको इन्वोक करना पड़ेगा। हाँ तो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी तो हर जगह होगी, कोई भी एक एक अणु जिसे बोलते हैं वो भी इस एनर्जी के बिना नहीं है। हाँ जी सर। सर तो ये एनर्जी जब हम ले उसको जब फ्लो होती रहती है हाथ में जब हम जिसको देते तो उसको वापस भी सेंड करना जरूरी है या फ्लो होते रहे? ब्रोतोति दास प्लीज अपने को म्यूट कीजिए ना। हाँ जी बताइए नलपा जी, फिर से क्वेश्चन पूछिए ना, क्या पूछना? हाँ जी सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जब एनर्जी हमारे हाथ में फ्लो होती है तो वो मतलब जब हम जिसको हीलिंग दे देते हैं उसके बाद हम उसको वापस सेंड करें या वो फिर या होते रहे हमारे हाथ में कंटिन्यू रहती है वो एनर्जी? मैं अगेन आपको समझाता हूँ, लोग यही गलती करते हैं। पहली लाइन हम बोलते हैं मैं अपना आभार मानता हूँ, मीन्स मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं एक चैनल हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। हाँ जी जो सेकंड लाइन में बोलते हैं मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ कि जो कुछ है वो रेकी है, तो हाँ जी हम कौन होते हैं उसको बुलाने वाले, हम कौन होते हैं उसको सेंड करने वाले। बहुत बार आप देखेंगे कि किसी को नीड है, आपने रेकी देने का इरादा छोड़ भी दिया और हाँ दो जी चार चार घंटे तक आप फिर चेक करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि अभी तक तो रेकी उसको ही जा रही है। यस सर। हाँ, और हमारी एनर्जी सर उससे ड्रेन हो जाती है क्या अगर नहीं, काफी अगर घंटे आप तक? सोचेंगे आपका एनर्जी नहीं है ना, यही तो मैं अल्पा जी आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं को आपको ओके भूलना है कि मैंने उसको ठीक करा, मैंने उसको ऐसा करा, मैं रेकी दे रही हूँ, मैं ड्रेन हो रही हूँ, मेरे को ऐसा ओके फील हो रहा है, इस मीडियम को आपको छोड़ना है, अपने आप को मीडियम बनाना है। जब आप मीडियम बनाएंगे तो एक अलग लेवल पे आप काम करेंगे, एक अलग हीलिंग पावर्स आपके अंदर होंगे। वो ओके थैंक यू सो मच सर अपने सो आप मच। में सेंसिबल एनर्जी है कि आप सोचोगे कि आप बुलाओगे तो आएगी, आप बोलोगे तो बंद हो जाएगी, आप बोलोगे तो चलेगी, ऐसा नहीं। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक जी यू सर। और कोई तुरंत को ओपन कर दो सबको फटाफट, 5 मिनट में फिनिश कर दें। जय श्री जी है, अनम्यूट कर दो सबको, अनम्यूट कर दो फिर अपन फिनिश करते हैं। हेलो हाँ जी जय श्री जी, जी बताइए। ठीक है गिरजा नायर जी, कुछ मिस हो गया इसलिए। मैम आपको ना पूरा इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, पास्ट क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, बहुत छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स बना रखी है मैंने लोगों को हेल्प करने के लिए, वो भी मिलेंगी, तो कुछ नॉलेज आपका मिस नहीं हुआ है। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए सीखने का, बस आपको सब कुछ अपने आप मिलता है। हाँ, वो तो है ही सर, बोल रहे थे। और जब हम लोग एट्यून होते हैं तो पूरा मतलब ध्यान पूरा यूनिवर्स की तरफ देना पड़ता है क्या? मतलब पूरा ब्रेन को नहीं शांत ध्यान नहीं करके? देना है आपको, अपने अंदर ध्यान देना है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ओके ठीक है ना, क्या ओके चेंजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जी फील हो रही है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, ओके क्या पता यूनिवर्स कोई थॉट आपको देना चाहते हो, आप यूनिवर्स की तरफ गए हुए हैं और वो थॉट आपकी तरफ आ रहा है, आप उस थॉट को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक ओके है ना। ओके कोई ब्लेसिंग्स, कोई थॉट पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती हैं, तो उसको रिसीविंग मोड में रिसीव करना है हमको। सर, मुझे कुछ पूछना बताइए विनी मैम। था। हाँ सर, हम जैसे किसी को जैसे रेकी देते हैं तो क्या हम अपनी एनर्जी उनको देते हैं? अपना कुछ भी नहीं देते हैं, आपके अंदर इतना एनर्जी है ही नहीं, आप कैसे लोगों को ठीक कर देंगे। अच्छा, तो सर ये 100% ये ठीक होता है अगर सामने वाला पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि हमको रेकी दो तो मतलब उनको फायदा मैं होगा तो कहता हमको? हूँ ये ऐसा मान लो कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, तो पी के जी देखो, फिर प्यास बुझेगी तो जी समझ जाओ कि हाँ भाई पानी में कोई ताकत है। प्रैक्टिस करो और प्रूव करके देखो। विनी मैम मैं आपको, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मैं अपनी जी बात बताता हूँ। जी नानक वल्लानी जी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं रेकी के, जी और मेरे रिलेटिव हैं।
जी ट्यूसडे ट्यूसडे हमारी शॉप पे आया करते थे और एक एक बात बताते, मैंने कैंसर को ठीक कर दिया, मैंने ये ठीक कर दिया, मैंने वो ठीक कर दिया, और हम लोग वो जैसे ही जाते बहुत मतलब होल्ड करके रहते और बहुत जोर जोर से हंसते कि जी देखो कितना बढ़िया आदमी था और कैसा पागल हो गया। अच्छा उसके पास एक लेबर काम करती थी, अब जी वो आना स्टार्ट हुआ, शाम करके लड़का हुआ करता था, शाम नाम था उसका, वो आता वो बताता कि मैंने उसको बोला कि भाई अब वो तो काम छोड़ रहे हैं, तुम हमारी शॉप पे आ जा काम करने के लिए। उस टाइम पे उसको 3,000 सैलरी मिलती थी, उस जमाने में 90s की बात है। तो मैंने उसको बोला मैं तुझे 3,500 रुपीज दे दूंगा। तो उसने जी बोला कैसी बात कर रहे हो आप सर, मैं इस टाइम पे 30-40 हजार रुपये कमा रहा हूँ कैसे? कि वो नानक भाई मुझे पेशेंट दे देते हैं, मैंने रेकी सीख लिया फर्स्ट और सेकंड डिग्री, और मैं लोगों को ठीक करता हूँ डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से ठीक करता हूँ। वो एक पर्स निकाला, उसने फोटो निकाल के दिखाए, इस आदमी को मैंने ऐसे ठीक कर दिया इस आदमी को। तब मुझे हुआ कि वो आदमी पागल नहीं है, वो कुछ बहुत सयाना आदमी हो गया, कुछ अच्छी थेरेपी सीखा है, अपने को भी जाना चाहिए समय के साथ, तो अपन भी कुछ आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, फर्स्ट वो डिग्री मतलब सीखा, फर्स्ट जैसे डिग्री के बाद उसने सेकंड डिग्री की बातें बताई, तब बिलीफ नहीं हुआ। तो मैंने तो उनको बोला कि देखो ये सब चीजें जैसा बोल रहे हो वैसा मुझे महसूस होगा, वैसा फील होगा, तब मैं आपको पैसे दूंगा। अच्छा सेकंड डिग्री सीखा, प्रैक्टिस करी, लेकिन जो लॉजिकल माइंड होता है जी वह रिसर्च करता है कि कैसे हुआ, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। वो क्वेश्चन ने मेरे को इन चीज में पैशन बना दिया कि नहीं, रिमोट कंट्रोल दुनिया का हमारे पास है, अगर ये चीज को मैं आगे बढ़ गया तो अपन बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। सर, तो चार्ज करना पड़ेगा ना, जैसे कोई हमको हमारे पास कोई हाँ जी आएगा हाँ तो जी हम हाँ जी, उनको हमको चार्ज लेने पड़ेंगे ये उनसे। कल अपन डिस्कशन करेंगे कैसे चार्ज लेते हैं, ठीक अच्छा ठीक है ना। है हाँ जी दीपक जी सर, नमस्ते, नमस्ते। वंदन और अभिनंदन सर, आपका प्रयास सराहनीय है। सर, एक प्रश्न ऐसा था कि हमारे मन में जो आस्थाएं हैं, जो हमारे मन में जो संस्कार है, जो पूर्व ग्रहित है, तो ये रेकी सीखने के बाद, कई सुना, बहुत बार मैंने सुना है रेकी के बारे में, तो ये सीखने के बाद उसको कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा भी है सर, पहला ये देखिए क्वेश्चन प्लीज। आप कैसे मतलब कि संस्कार आपको अच्छे दिए गए कि बुरे दिए गए? तो सर अच्छे संस्कार दिए, लेकिन जैसे रेकी के क्या इस माध्यम से हमको संस्कार कुछ, में ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी को अच्छा किया जाए, अपना भी अच्छा किया जाए, दूसरों को भी अच्छा किया जाए? ठीक सर, दूसरा दूसरा सवाल ऐसा था कि जैसे ये रेकी जो पावर है, क्या हमको अंत समय तक पता चलेगा कि ये पावर कैसा है और क्या क्या स्वरूप है अरे इसका? अभी आजकल कैमरा है, हमारे पास भी कैमरा है, आप जी रेकी का इंफ्रा आभार रेड, विनती करके ऐसे खड़े होंगे तो आपके अंदर से रेस निकल रही है, वो दिखाई देती है, ठीक है साइंस सर। उसको प्रूव करती है। तीसरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे इसके उपयोग है, मतलब ये उपयोगी है, इसके फायदे है, तो वैसे इसका दुरुपयोग भी तो होता होगा सर, ऐसा कुछ है कि इस एक शक्ति का देखो दुरुपयोग ये हो रहा है? ना स्पिरिचुअल एनर्जी है, दुरुपयोग होते नहीं है, क्योंकि जी इसके पास ऐसा नहीं कि ये आपकी स्लेव, आपकी गुलाम है, जी आप ऑर्डर करते हैं वैसा वो करती है, उसके पास सर, अपनी भी सेंसेस होती है, तो बुरा होता दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग नहीं होता सर इसमें, है ना? नहीं। ठीक, धन्यवाद सर। विनीता शाह जी हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने रेकी 1996 में सीखी थी। वो कहाँ से मैंने हैं आप? अंग्रेजी जी, मैं अभी फिलहाल बैंगलोर में हूँ, तो मैंने सीखा था गुजरात में, तो कहाँ सीखा था? गुजरात। अच्छा सूरत, किन से सीखा था? अमित आर पटेल और हर्षद भाई देसाई। हर्षद देसाई जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए अभी आपने हाँ पुराना जी, नाम लिया इसीलिए मैंने आपको बोला, क्यों पहले क्या बहुत कम मास्टर्स थे 90s में, तो सब एक बहुत कम दूसरे। मास्टर्स थे और हमारा सूरत जो में भी बहुत कंट्यूटर गया हुआ हूँ था वो भी सिखाने, सूरत, फिजिकल हुआ था, लाइक वलसाड़, वापी, चिकली, हाँ जी जी कोई ऐसा शहर नहीं है जो मतलब कि गुजरात का मैंने छोड़ा हो। करेक्ट सर। तो वही आपका सब सुन के मैं आपसे ऐसे कनेक्ट हो गई, मतलब लाइक आई सर इनके साथ मुझे फिर से रिवाइज करना है। मैंने बीच बीच में मतलब प्रैक्टिस किया, फिर छोड़ा, फिर आई गॉट मैरिड, फिर सब छूट गया, फिर वापस जरूरत पड़ी, फिर शुरू किया। तो
अब मुझे लग रहा है सर एक बार मुझे आपके साथ सेकंड डिग्री का भी रिवीजन करना है, जरूर तो अगर जरूर। आपके पास कोई ऐसे वीडियोस या देखिए हमने आज लिंक्स हैं। डिसाइड कराया रिविजन्स करने के लिए, वीडियोस बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे ना बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सामने वाले को बीमारी बता देना कि आपको क्या बीमारी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वास्तु का दोष बता देना कि आपके घर में कहाँ दोष है, क्या करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हमने जो इनोवेशन के साथ, हमको तो दो पेजेस मिलते थे, आपने 96 में सीखा था तो जी, मेरे पास भी दो ही पेजेस दो है, पेज आते थे, दो पेज ये है। बुक्स नहीं थी, ये बिल्कुल लिटरेचर नहीं था, इतने सारे प्रैक्टिकल नहीं नहीं थे, सर, 1 घंटा बुलाते थे और एक ही सिखा के भेज देते थे। बस हाँ ऐसी फाइल मिली थी हाँ ऐसी फाइल में और ये फाइल के साथ इसमें हमारे सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री दोनों है मेरे अब पास। आप PDF पढ़ेंगी, बहुत सारी उसमें नॉलेज होंगी, सेकंड डिग्री की बहुत हाँ सारी जी आपको टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे भी मेरे मिल जाएंगी, ऐसी हाँ टेक्निक्स जो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। फर्स्ट डिग्री तो देखो सब जगह नॉर्मल है, बहुत सारी जी चीजें इसमें बिल्कुल नहीं होती है, डिफरेंस जी कहाँ बिल्कुल डिपेंड होता है सेकंड डिग्री से, जी। तो डिफरेंस जब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस के रूल्स ऑफ माइंड जी रूल्स आ जाते हैं, हीलिंग्स के रूल्स आ जाते हाँ हैं, जी तो सेकंड डिग्री के मेरे पास सेकंड डिग्री सीखने बड़े बड़े मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स आते हैं और जी सही 10,000 से ज्यादा मेरे मास्टर्स हैं, हर महीने 50 ट्रेनर्स रेडी होते हैं। जी सर। तो अब मुझे बस आपके साथ एक बार सेकंड लेवल अपन रिवाइज कर रिवीजन का भी कुछ ऐसा ऑप्शन निकाल रहे हैं कि सेकंड डिग्री, हमने जी वैसे 5,000 चार्ज रखा है पर सेकंड डिग्री रिवीजन्स के लिए भी हम कुछ ऑप्शन निकाल रहे हैं कि कुछ मिनिमम फीस लेकर लोगों को रिवाइज कराया जाए। बिल्कुल थैंक यू। और हाँ सर आपके कोई यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल है अभी जिससे कि हाँ थोड़ा सा रिवीजन हो मैं जाए? सेंड करा देता हूँ, जी पूरा थैंक एक यू सो डॉक्यूमेंट मच। आएगा आपके पास जिसमें सब बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे अभी ना मेथड्स आपके पास हैं, रेकी काफी के कुछ फर्स्ट है। डिग्री के लिंक्स आएंगे ना उसी चैनल पे, हाँ आपको सेकंड डिग्री का भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, डन जी मानसी डन जी ओके सर हाँ थैंक यू सर सर, जी। हाँ सर मुझे यही पूछना था कि जैसे जैसे हाथ रखते वक्त गले पे थोड़ा सा और माइक आपको हाथ पास लेना पड़ेगा प्लीज, थोड़ा सा माइक पास में लीजिए। हाँ मैं सर बोल रही थी कि हाथ रखते वक्त गले पे आगे और पीछे और हार्ट पर, तो सोचना क्या था ये मुझे यही नहीं पता था सर। सोचना क्या था, हाँ सोचना कुछ भी यानी नहीं, इट आप काम मीन्स करते हुए भी देख, कोई भी सोच अपनी जो चल रही है उसको सोचना है। यानी ग्रेजुएट करना था, ऐसा नेटवर्क इश्यू था ना इतना सर, तो इतना पता नहीं चला। मैं अपना आभार मानती हूँ, मेरे की शक्ति का आभार मानती हूँ, मेरे की गुरु और पूज्य पात्रों का, 3 लाइनें बोलते हैं अपने आप चैनल स्टार्ट हो जाती है। फीलिंग्स है, लाइनें नहीं है, फीलिंग्स है। जब आप फील भी करते हैं खाली कि मुझे रेकी चालू करनी, तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। ये कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र बोलेंगे चाबी है ताले की तो उससे ओपन होगा, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं, आप जैसे ग्रेटिट्यूड फील करते हैं रेकी देने का भाव बनाते हैं, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ठीक है, तो ओके थैंक यू। आज हमने रेकी का अटेनमेंट लिया, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करा रेकी के बारे में। 24 पॉइंट्स का आपको वीडियो मिलेगा, 24 पॉइंट्स एटलीस्ट आज आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या आपके अंदर एनर्जेटिकली चेंज आते हैं, क्या हर पॉइंट पे फीलिंग आती है, तो अपन कल भी एक अटेनमेंट होगा आपका, उसके बाद अपन और ज्यादा आगे अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, रेकी में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो कल मिलेंगे अपन 7:30, कल अपन 10:30 तक क्लास चलाएंगे, अपन समझेंगे कि क्या रेकी कर सकती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है उसके लिए। गुड नाइट ऑल, गुड नाइट। ये यहाँ पर लिंक मिलेगा तो इसका यहाँ पर लिंक मिलेगा ये तो रिकॉर्डिंग का, हाँ ये रिकॉर्डिंग का भी लिंक मिलेगा, कल के लिए भी लिंक मिलेगा आपको, बहुत सारे वीडियोस पास्ट की क्लासेस के भी मिलेंगे, बहुत सारी नॉलेज के वीडियोस आपको मिलेंगे, जितना आप देखते चले जाएंगे सीखने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, आप सीखने वाले होने चाहिए। PDF में मिलेंगे, PDF में भी आपको बहुत कुछ, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे तो आपके सवाल सारे खत्म हो गए। ठीक है ना, ऐसे ये पूरा PDF बना हुआ है, इसके अंदर वीडियोस भी हैं, ये लामा फेरा का है तो सर, उसके अंदर सब कुछ अटैच सर्टिफिकेट करो, भी देंगे? सर्टिफिकेट भी देंगे आपको। अच्छा ठीक है ना, ठीक। सर्टिफिकेट विद इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस। हम बंगाली आदमी है तो
बंगाल में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, कुछ करके दिखाइए। आपको बंगाल में कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स दे देंगे, जिसके कि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको कुछ ना कुछ उसमें समझा देंगे। लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी हाँ, तो मैं बंगाली आपको कोई ना कोई मास्टर दे दूंगा, यहाँ पे कोई है कि नहीं है, मैं अभी देखा नहीं है सबको, पर आपको बंगाली मास्टर दे दूंगा जो कि आपको इसको आगे समझाता रहेगा। ये पूरा पीडीएफ बना हुआ है, तरुण जी आपको डाल देंगे, उसमें बहुत सारे वीडियोस, लिटरेचर हाँ। सब कुछ है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोस, कोर्स मटेरियल पूरा बना हुआ है, इस सीख लिंक ले। में मिल जाएगा तो हाँ जी, अभी अभी डाल ही रहे हैं तरुण, डाल ही रहा है। पुरानी क्लासेस के भी लिंक्स हैं और अभी की क्लासेस के लिंक्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको 24 पॉइंट्स के जो जो मटेरियल प्रैक्टिस का है सारा यहाँ पे लिंक्स के फॉर्म में मिलेगा आपको। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट। नाइट।